आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। दो शस्त्र लाइसेंस निलंबित। जिलादंडाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार एस ने पुलिस कप्तान मनीष खत्री के प्रतिवेदन पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 173 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावैधिक आर्म्स लाइसेंस बाल गोपाल पुत्र सरदार सिंह निवासी सुखलाल कापुरा एवं बंटी उर्फ निशांत पुत्र नरेंद्र त्यागी निवासी ग्राम पचेरा, जो कि विगत दिनों पूर्व में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें मुख्य आरोपी था, इसका आज लाइसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों विदेश में अध्ययन हेतु ऑनलाइन आवेदन 31 मई तक करें। राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संचालन की निगरानी हेतु उड़न दस्ता गठित। दावे आपत्ति निराकरण समिति की बैठक 29 मई को। राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर कई अधिकारियों का एक सप्ताह का वेतन काटने के सख्त निर्देश। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न। जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय परीक्षा पत्रों की सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम, एडीएम जेपी सयाम, डिप्टी कलेक्टर पराग जैन सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने बैठक में जनसेवा अभियान 2 में अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन की विभागवार विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया सभी विभाग लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने 10 मई से प्रारंभ होकर 31 मई तक चलने वाले जनसेवा अभियान के संबंध में संबंधित विभागों की 67 सेवा अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण गंभीरता से करने निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनसेवा अभियान 2 के एक घटक अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की, जिसके अंतर्गत कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों का एक सप्ताह का वेतन काटने के सख्त निर्देश दिए। तहसीलदार अटेर शुरपुरा मोह सीएमओ मालनपुर अकोड़ा दबोह गोहद मोह सब इंजीनियर पीएचई सहित जिला शिक्षा अधिकारी का एक सप्ताह का वेतन काटने के दिए निर्देश। हर अपडेट देखें सबसे पहले हमारे चैनल पर, जिसको सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट सबसे पहले देखें।